हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नेट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और ये एपिसोड होगा जहाँ पर वंडर वुमन एक ब्लैक लैंटर्न से वायलेट लैंटर्न कैसे बनी और उसके बीच में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं वंडर वुमन को समंदर के किनारे एक ब्रिज पर, जहाँ पर वो मेरा से कह रही थी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये कभी नहीं करती। और तभी हम देखते हैं कि मेरा उसकी तरफ अपना ट्राइडेंट लेकर बढ़ रही थी और वहाँ पर बाकी ब्लैक लैंटर्न बाकी सभी सुपर हीरो से लड़ रहे थे। यहाँ पर वो कहती है कि तुम डायना नहीं हो और अगर होती भी तो भी एक क्वीन किसी प्रिंसेस से ऑर्डर नहीं लेती। और तभी उस पर हमला करते हुए वंडर वुमन कहती है, क्वीन किस चीज़ की? तुम जिससे प्यार करती थी, जिस चीज़ों से प्यार करती थी, वो सभी मारे जा चुके हैं। और उसी वक्त वंडर वुमन अंदर से खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कह रही थी कि ये रोक दो, वो मेरा है, मेरी दोस्त, मैं उस पर हमला नहीं करना चाहती। और इसी वजह से यहाँ पर इस कॉमिक में हमें दो दो वंडर वुमन देखने को मिल सकती है, एक जो कि ब्लैक लैंटर्न है और एक जो कि डायना, जो कि अभी भी वंडर वुमन यानी कि अच्छी इंसान है। आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मेरा से कह रही थी, एटलांटिस मर चुका है, आर्थर मर चुका है, तुम्हारा बेटा भी मर चुका है और इसीलिए शायद तुम मुझे माफ़ भी कर दो। और तभी वो अपने कुल्हाड़ी से उसके गले पर एक घाव करती है और उसे दूसरी तरफ ढकेलती है। और उस वक्त वो उसका इमोशनल स्पेक्ट्रम देख पा रही थी और आगे बढ़ते हुए वो कहती है, लेकिन बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम उन्हें ज्वाइन करोगी और जब तुम वहाँ जाओगी तब आर्थर को मेरा प्यार दे देना। और ये सुनते ही मेरा अपने एक्वाकाइनेसिस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर पानी से हमला करती है और वो कहती है, प्रिंसेस तुम मुझे झुका नहीं सकती और ना ही मार सकती हो, समझ गई? और इसी के साथ वो उसे ब्रिज तोड़कर नीचे पानी में गिरा देती है और नीचे कूदकर अपना ट्राइडेंट उसके सीने में गाड़ देती है, जिस पर अंदर से वंडर वुमन कहती है, हाँ मार दो मुझे, रोको मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ट्राइडेंट लेकर उठ जाती है और फिर से हील हो जाती है और उसकी तरफ ट्राइडेंट और कुल्हाड़ी दोनों लेकर बढ़ती है। और वो आगे बढ़ते हुए ब्लैक लैंटर्न डायना कह रही थी, तुम जानती हो मैं अभी भूखी हूँ। और इतना कहते ही वो उसकी तरफ बढ़ती है और ट्राइडेंट उसके कंधे में घुसा देती है और कहती है, भूखी हूँ किसी फिश के लिए। तभी भी हम देखते हैं कि मेरा अभी भी रेत से भरी हुई थी और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए वो कहती है, तो ठीक है मेरा, अब तुम्हारा टूटा दिल बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा उसे कहती है कि तुम मेरी दोस्त थी। और इतना कहते ही वो उसके मुंह पर थूकती है। और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट नहीं लेकिन कॉमेडी पॉइंट जरूर आता है कि उसका थूक देखते ही वो अपने ऊपर कंट्रोल फिर से पा लेती है। ये थोड़ा अटपटा और हंसने लायक है क्योंकि इतना मारने के बावजूद भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और सिर्फ थूकने की वजह से वो अपना कंट्रोल फिर से पा लेती है। वो मेरा से कहती है, मेरा भागो, और खुद वहाँ से उड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। और खुद से वो कह रही थी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इसकी स्लेव नहीं बन सकती, इसकी गुलामी नहीं कर सकती और ये चीज़ मुझे अपने ही लोगों को मारने के लिए यूज़ कर रही है जिनसे मैं प्यार कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें मारने से पहले मैं खुद को ही मार दूंगी। और उस रिंग को अपने हाथ से निकालते हुए कहती है, बाहर निकलो, मेरे शरीर से बाहर निकलो, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। और एक पत्थर पर अपना हाथ रखते हुए वो अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटने जा रही थी और कह रही थी, नहीं अब मैं और तुम्हारी स्लेव या तुम्हारी मॉन्स्टर नहीं बनूंगी, मैं खुद को मार दूंगी, अब मौत को मरना पड़ेगा मुझे फ्री होने के लिए। तभी वो रिंग उसे कहती है, तुम मौत को मारोगी? मौत को मार पाना इतना आसान है? लेकिन वो इतना सुनते ही अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर लेती है और तभी उसे पीछे से कैसे आवाज़ देती है और कहती है, डायना तुम भी उनकी जैसे बन गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वंडर वुमन वंडर गर्ल से वहाँ पर भाग रही थी, यहाँ पर पीछे से आकर डोना ट्रॉय उसे कहती है, तुम पहले से ही बहुत बड़ी झूठी थी, बहुत बड़ी बेवकूफ और झूठी, और बहुत ही जल्द तुम डेड बेवकूफ झूठी बन जाओगी, मैं तुम्हारी यही बात से बहुत चिढ़ती हूँ। और तभी वो आकर उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है और सालों से मैं तुम्हारी चीख सुनना चाहती थी। और इतना कहते ही वंडर वुमन कैसी की तरह बढ़ती है और पीछे से हाथ डालकर उसका हाथ निकाल लेती है। तब उसकी तरफ देखते हुए डोना कहती है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं उसकी चीख नहीं सुन पाई। और वो आगे कहती है, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है, तुम हमेशा से सीधे हार्ट के लिए काम करती हो, अब नेक्स्ट कौन है? तब डोना पर अटैक करते हुए वो कहती है कि तुम, और डोना को भी वो मार देती है और कहती है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, बहुत ज़्यादा, तो अपना मुंह बंद रखो। और तभी उसकी माँ उस पर अटैक करती है, जिस पर वंडर वुमन कहती है,
अपनी बेबी को ट्रीट करने का ये कौन सा तरीका है? जिस पर वंडर वुमन की माँ जवाब देती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो जिसने उसकी स्किन वियर कर रखी है। और यहाँ पर वो ब्लैक लैंटर्न उस पर अटैक करती है और उससे कहती है कि मैंने एक माँ का प्यार तो देख लिया, अब डॉटर का प्यार देखो। और वो अपनी कुल्हाड़ी अपनी माँ को मारते हुए उसे लात मार कर कहती है, तो ये है प्यार अपनी बेटी का अपनी माँ के लिए, या फिर कहे हेट। और अंदर वंडर वुमन अपने आप से कह रही थी, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कैसी दोना सभी लोग जिनसे मैं प्यार करती थी वो दोनों ही मर चुकी है और मेरी माँ वो मरने वाली है। और तभी वंडर वुमन की माँ की शील्ड लेकर ब्लैक लैंटर्न उनकी तरफ बढ़ रही थी उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी एक बैटरिंग आकर वंडर वुमन को अपनी माँ से दूर कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैटमैन आ चुका था। आप लोगों को यह सवाल परेशान कर रहा होगा कि बैटमैन तो मर चुका है तो क्या ये नाइटविंग है? लेकिन आपको आपका जवाब थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। और वो उससे कहता है, डायना रुक जाओ, तुम जो ये कर रही हो वो सही नहीं है। और तभी ब्लैक लैंटर्न डायना उसकी तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। और अंदर से वंडर वुमन खुद से कह रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रूस तो मर ही चुका है और ये ब्रूस नहीं हो सकता। और तभी बैटमैन उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम प्रिंसेस नहीं हो सकती, तुम प्रिंसेस हो ही नहीं। और वो दोनों ही एक दूसरे का गला पकड़े एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। और तभी वहाँ पर वायलेट रिंग आ जाती है और थोड़ी देर बाद बैटमैन उसे एक किस करता है। और तभी वहाँ पर वायलेट रिंग आकर जोरों से स्पार्क करती है और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वायलेट रिंग थी। तभी वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, ये ब्राइटर कलर है जो कि सूट करता है प्रिंसेस कम गॉडेस को, जो कि प्यार के लिए बनी है। और तभी वहाँ पर वो देखती है एफ्रोडाइट को जो कह रही थी, ये कलर है लव के लिए जो कि सभी क्रिएशंस पर तुम्हारा है और ये कलर तुम्हारा है। इस पर वो कहती है, एफ्रोडाइट गॉडेस मैं लव के लिए काबिल नहीं हूँ, उसके पहले मुझे माफ़ करना सीखना होगा और मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती जो मैंने किया है। इस पर वो बताती है, नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया। और वो उस जगह के तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये जगह जो तुम देख रही हो ये सिर्फ एक कल्पना है, ये जगह मैंने तैयार की थी तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से फ्री कराने के लिए, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। मैं तुम्हें सेव करना चाहती थी, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, ना कि तुम्हें डिस्ट्रॉय होते देखना चाहती थी इविल डायना के हाथों। और वो कहती है, डार्कनेस में सबसे बेहतर लव सर्वाइव करता है। और वो उसे वो रिंग ऑफर करती है और इसी के साथ स्टार सफायर की रिंग ब्लैक लैंटर्न रिंग की जगह ले लेती है। और तब डायना उसे देखते हुए कहती है, ये उससे भी ज़्यादा कुछ है, ये मेरे लिए जीत का भी गुल है। और तभी हम देखते हैं वंडर वुमन को एक स्टार सफारी बनते हुए और तभी वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ उड़ के चली जाती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।